तो एफबी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चैप्टर में मैं आपको हमेशा की तरह ही आईएसएल और इंडियन फुटबॉल से जुड़े कुछ नया और इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं। तो आज उतना ज्यादा अपडेट तो नहीं निकल के आया है, लेकिन जितना आया है इंपॉर्टेंट अपडेट है और मैं आपको वही बताने जा रहा हूं। पहला अपडेट आ रहा है ओडिशा एफसी की तरफ से। ओडिशा एफसी ने पंजाब एफसी के मिडफील्डर थोइबा सिंह के साथ एक डील पक्का कर लिया है। लगभग सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट सीजन में थोइबा सिंह ओडिशा एफसी की तरफ से खेलने वाला है। अंदर अंदर ही हमें पता चल रहा है, अभी तक ऑफिशियल घोषणा नहीं हुआ है लेकिन लगभग कन्फर्म है। ऑफिशियल जब घोषणा हो जाएगा मैं आपको एक और बार बता दूंगा। लेकिन इस खिलाड़ी के बारे में एक स्पेशल फैक्ट है कि भाई ये यंगेस्ट गोल स्कोरर है एएफसी कप में। लास्ट टाइम जब पंजाब एफसी एएफसी कप में खेला था तो थोइबा सिंह ने गोल लगाया था और यंगेस्ट स्कोरर बन गया है एएफसी कप में एक खिलाड़ी। तो बहुत इंटरेस्टिंग सा एक फैक्ट है इस खिलाड़ी के नाम। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है एएफसी गोवा के कैप्टन मंदाराव देसाई के बारे में। तो दो दिन पहले या कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मंदाराव देसाई का जो कॉन्ट्रैक्ट है एएफसी गोवा के साथ वो अब खत्म हो चुका है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने का ऑफर भी है, साथ साथ बहुत सारे क्लबों ने भी उनको ऑफर किया है। लेकिन मंदाराव देसाई ने कह दिया है कि उनका मन है कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने का एएफसी गोवा के साथ। हालांकि अभी तक उन्होंने चेंज नहीं किया है किसी भी आईएसएल सीजन में। उनका जो टीम है एएफसी गोवा ही रहा है, एएफसी गोवा के बाहर वो नहीं गया है। और इस बार भी उन्होंने मन बनाया है कि अपना कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर लेगा एएफसी गोवा के साथ। तो नेक्स्ट सीजन में शायद आपको मंदाराव देसाई एएफसी गोवा में ही देखने को मिल जाएगा। कोरोना वायरस के चलते अभी सब कुछ स्लो डाउन है, तो इनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कंप्लीट तो नहीं हुआ है लेकिन एक कर लेगा। और इसके बाद नेक्स्ट अपडेट भी आ रहा है एएफसी गोवा के ही मिडफील्डर लेनी रोड्रिगेज के बारे में। तो भाई इन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग बात शेयर किया है एक इंटरव्यू में। उन्होंने कहा है कि आई वॉन्ट टू फिनिश माई करियर इन गोवा। तो यहाँ से हमें लगभग कन्फर्म है कि नेक्स्ट आने वाले कुछ साल या उनका पूरा करियर ही वो एएफसी गोवा की तरफ से ही खेलने वाला है। अगर एएफसी गोवा उनको लगातार कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने की ऑफर देता है तो लेनी रोड्रिगेज एएफसी गोवा में ही रहने वाला है। साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इन्होंने शेयर किया है हम लोगों से। उन्होंने कहा है कि आई वॉज इंजर्ड बट आई टुक इंजेक्शन एंड प्लेड बिकॉज वी सो वॉन्टेड टू विन द टाइटल बट हार्ड लक। यानी कि जो सेमीफाइनल का मैच था उस मैच के दौरान लेनी रोड्रिगेज इंजर्ड था और उन्होंने इंजेक्शन लेकर उन सभी मैचों को खेला है जहां पर बहुत ही हार्ड सिचुएशन चल रहा था एफसी गोवा का, खास करके सेमीफाइनल में। तो उस चीज़ को ही उन्होंने सामने ले आया है कि मैं इंजेक्शन लेकर खेला था। तो कितना जज्बा है इस खिलाड़ी में आप लोग देख सकते हो और बहुत ही हार्डली ये चाहता है कि इंडियन टीम को भी रिप्रेजेंट करे। लेकिन बेटर लग नेक्स्ट टाइम, इस बार उनका नाम नहीं आया है। जो कैंप के लिए नाम घोषणा किया था इगोस टीमच, उस लिस्ट में इनका नाम नहीं है। हालांकि वो कैंप भी अभी पोस्टपोन्ड हो चुका है। चलिए देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है लेनी रोड्रिगेज के साथ। और जब भी कुछ नया अपडेट आएगा इनके बारे में मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। नेक्स्ट इसके बाद अपडेट आ रहा है एटी के मोहन बगान के तरफ से। तो भाई कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि मर्तुदा फॉल के साथ एटी के मोहन बगान बात चला रहा है नेक्स्ट सीजन के लिए। लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि जॉन जॉनसन के साथ भी एटी के मोहन बगान कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर रहा है। 2020 मार्च के महीने में इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा एटी के साथ। और नया जो एंटिटी आ रहा है एटी के मोहन बगान, उस टीम के लिए भी जॉन जॉनसन रिटर्न हो सकता है अंदर से, हमें ऐसा बात पता चल रहा है। तो शायद यहाँ पर क्या मर्तुदा फॉल को लेगा नहीं लेगा क्लियर नहीं है। साथ साथ ऑगस्ट गार्सिया भी मौजूद थे, वो भी अभी तक रिटर्न नहीं हुआ है, उनका भी ऑप्शन है। लेकिन पता चल रहा है अंदर से कि जॉन जॉनसन ही रिटर्न होने वाला है नेक्स्ट सीजन में। लगभग सब कुछ कंफर्म हो चुका है, सिर्फ ऑफिशियली घोषणा बाकी है। अगर ठीक ठाक रहा तो भाई हमें न्यूज़ मिल जाएगा बहुत जल्दी, और जब मिलेगा मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूँगा। और इसके बाद भाई नेक्स्ट आप लोगों से एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है। हमारा सब्सक्राइब आप लोग देख सकते हो कि दिन ब दिन नहीं बढ़ रहा है जिस तरीके से बढ़ना चाहिए। जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ उस तरह का मुझे रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। सब्सक्राइब की अगर बात किया जाए तो बहुत सारा लोग वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन भाई सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके जो ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन है उसको ऑन कर दीजिए ताकि थोड़ा बहुत सब्सक्राइब मुझे गेन हो जाए। हमारा जो टारगेट है 1 लाख का, उसको हम लोग जल्द जल्द से पूरा करना चाहते हैं। तो आप लोगों का ही सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हमारा गेन अगर जल्दी जल्दी हो जाता है तो ज़रूर उस चीज़ को आप लोग थोड़ा बहुत मेंटेन कीजिए, अपने दोस्त लोगों से शेयर कीजिए। और आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर मेरा रिक्वेस्ट है। तो वीडियो थोड़ा बहुत मैंने खींच दिया है आप लोगों से, उसके लिए सॉरी कहता हूँ। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से जैसे कि मैंने आपको बताया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर करना। भाई मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अलविदा।